सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो आज हम एक एग्जाम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एक डिफरेंस देख रहे हैं दो एग्जाम्स में, एक है सेट और एक है नेट। बहुत सारे बच्चे जो अभी अभी ग्रेजुएशन में आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको इस बारे में पता नहीं होता है कि सेट का एग्जाम क्या होता है, नेट का एग्जाम क्या होता है, और इस चक्कर में वो बहुत बार सेट के एग्जाम को छोड़ देते हैं या इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और नेट की प्रिपरेशन में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और ना तो फिर उनका नेट निकल पाता है ना ही सेट वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैं आपको इस गलती से बचाने के लिए ही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया इट इज द बेस्ट थिंग। बट अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, दो तीन बार तैयारी कर चुके हैं, आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप जब सेट का पेपर आने वाला हो, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, फिर से बता रहा हूँ, सेट का पेपर हर स्टेट में कभी होता है कभी नहीं होता है, पर जब भी जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में जब भी सेट का पेपर हो रहा है तो उसके दो तीन महीने बहुत बढ़िया तरीके से उसकी मेहनत कर लीजिए। नेट के मुकाबले इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ईजी है, स्टेट के लिए जो स्टेट के बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए स्पेशली डिजाइंड है, और इसका पैटर्न इस तरीके से है कि अगर किसी बच्चे ने नेट की गेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो इस एग्जाम को उसको क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। बात है मेहनत की, क्योंकि आप उस टाइम पे मेहनत नहीं कर रहे होते, जिस मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। बहुत सारे बार मैंने ऐसा देखा हुआ है, जब हम भी तैयारी करते थे हम भी ऐसे ही सोचते थे, ठीक है, तो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छी बात है, बट नेट के साथ साथ सेट का पेपर आए तो दो महीने उसमें पूरा लगा दो और उसको क्वालिफाई कर लो, ठीक है, ये मेरा मंत्र है तुम्हारे लिए। देखो सेट क्या होता है, सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूजीसी जो है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट का, वो हमारा जो स्टेट का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यूजीसी से अप्रूवल लेता है, ठीक है। जैसे अभी अभी जो है उत्तराखंड हायर एजुकेशन ने यूजीसी से अप्रूवल लिया है, तो उसको अप्रूवल मिल चुका है कि वो सेट करा सकता है। तो यूजीसी क्या करती है, यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट को ये परमिशन देती है कि वो क्या करा सकता है, सेट करा सकते हैं, ठीक है। अब ये सेट इसलिए कराया जाता है क्योंकि जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है वो सेट क्वालिफाई करके अपने स्टेट के अंदर, जैसे मान लो आपने उत्तराखंड का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, तो उत्तराखंड के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर, आप उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ध्यान रखिए सेट केवल और केवल किसी भी स्टेट का सेट हो, चाहे जैसे वो महाराष्ट्र सेट हो, ठीक है, चाहे वो यूपी का हो, जम्मू कश्मीर का हो, हर स्टेट का अपना सेट कराते हैं, हर स्टेट, ये मतलब एक स्टेट पॉलिसी है मान लीजिए एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो हर स्टेट अपना सेट का एग्जाम कराता है ताकि जो स्टेट में रहने वाले बच्चे हैं जिन्होंने वहां से पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो इजीली क्या कर सके, एग्जाम को क्वालिफाई करके उस यूनिवर्सिटी उस स्टेट के कॉलेजेस को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए सेट का एग्जाम केवल और केवल, इसका एक ही मकसद है सेट के एग्जाम का, केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराने के लिए होता है ये, इसके अलावा सेट का कोई ही दूसरा यूज नहीं है, वो भी ओनली विद इन स्टेट, ये केवल आपके राज्य के अंदर ही वैलिड है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं, किसी बच्चे ने यूके सेट यानी कि उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया, तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें परमानेंट पोस्ट या जो वैकेंसी जाते रहती है टाइम टू टाइम एडॉप बेसिस पे, उनमें अगर वो बच्चा जाना चाह रहे हैं तो वो एलिजिबल है सेट का पेपर देके, ठीक है, मेरी बात समझ गए। इससे आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, इससे आपको कोई स्कॉलरशिप मिलनी नहीं मिलेगी, आप इससे मतलब इसके अलावा कोई भी इसका यूज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। केवल सेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए उसी स्टेट के अंदर ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये एक नेट की तरह ही है, मतलब ठीक है स्टेट का नेट है समान लो तुम, ये पर ये स्टेट के बाहर वैलिड नहीं है। जैसे मान लो महाराष्ट्र में वैकेंसी आ गई असिस्टेंट प्रोफेसर की या राजस्थान में आ गई, तो तुमने उत्तराखंड का सेट क्वालिफाई कर रखा है तो तुम उसका पेपर नहीं दे सकते हो क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। जबकि नेट जो होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो नेशनल मतलब भारत के अंदर, भारत देश के अंदर अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि भारत इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसके अंदर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, चाहे वो आईआईटीज हो, है ना, या चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे वो
एक्स वाई जेड कोई भी यूनिवर्सिटी हो भारत के अंदर, अगर वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है तो जिस बंदे ने नेट क्वालिफाई किया है वो वहां पे अपीयर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको जॉब लग जाएगी, सेट में भी ये नहीं है कि जॉब लग जाएगी। आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये जैसे बीएड होता है ना, तो बीएड करके आप क्या करते हो, बीएड से नौकरी तो नहीं मिलती है बीएड करने के बाद किसी बच्चे को, तो बीएड करने के बाद केवल ये हो जाता है कि आप केवी के फॉर्म फिल कर सकते हो, आप जो है भाई एनवीएस के फॉर्म फिल कर सकते हो आप, ठीक है, जिस स्टेट में रहते हैं उसके लेक्चरर के फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, टीचिंग के लिए बेसिकली फॉर्म फिल करके कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। उसमें ऐसी सेट और नेट भी है, जैसे किसी बच्चे का नेट क्वालिफाई है तो वो किसी भी स्टेट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जब वहां पे वैकेंसी आएगी तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। या जब टेम्पररी बेसिस पे जो भर्तियां होती है स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेट तो पूरे स्टेट में चल जाएगा, मतलब जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो, अपना क्लेम कर सकते हो कि भैया मुझे भी लो। पर अगर आपका सेट क्वालिफाई है तो आप उस स्टेट के विदिन ही कर सकते हो। देखो नेट का एग्जाम पैटर्न फिक्स है, हर साल सेम पैटर्न आएगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आएंगे, 200 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, क्वालिफाइंग डिग्री आएगी, जीआरएफ होगा उसके अंदर अलग अलग। बट सेट का हर स्टेट का अपना अलग पैटर्न होता है। सेट में दो तरीके के पेपर होते हैं, आई थिंक तीन भी होते हैं कहीं पे कहीं पे। एक तो होता है सब्जेक्ट पे रिलेटेड, सब्जेक्ट यानी कि जो विषय है वो पूछा जाता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है। और बेटा दूसरा जो पूछा जाता है वो टीचिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, जैसा कि बीएड में बच्चे पढ़ते हैं, टीचिंग एबिलिटी का जो सेक्शन है वो भी पूछा जाता है बहुत सारे स्टेट में। और कंबाइन जो है इसकी कट ऑफ बनती है, कंबाइन दोनों मिलके कट ऑफ बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें फिक्स सीटें रहती है कि भाई हर स्टेट को इतने ही बच्चों को सेट क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंस मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो तैयार हो जाइए। जो बच्चे उत्तराखंड के हैं, है ना, और जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, दोनों जगह सेट का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। जम्मू कश्मीर का तो आई थिंक नोटिफिकेशन आ गया जे एंड के का सेट का, महाराष्ट्र सेट का रिसेंटली पेपर हुआ आई थिंक, और उत्तराखंड सेट का अप्रूवल हो चुका है। तो विद इन 1 or 2 months आपको उत्तराखंड सेट का फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, जिसको आप फिल कर लेना और तैयारी कर लेना धांसू तरीके से, ठीक है। ये निकल जाएगा तो कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना जो है वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि नेट की हम तैयारी करते करते नहीं निकलता, बट सेट निकालना बहुत आसान है। ये ऐसे ही है कि कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है 10 साल 5 साल 4 साल 3 साल, उसका यूपीएससी नहीं होता, पर जैसे पिक्चर देखी ना एस्पिरेंट, है ना, वो जो वेब सीरीज है, तो उस भाई का, हमारे क्या नाम था उनका, ठीक है, संदीप भैया के जो बड़े भैया थे, है ना, उनका यूपीएससी नहीं निकलता, बट उनका क्या निकल जाता है, पीसीएस निकल जाता है। तो पीसीएस के थ्रू वो अच्छी जॉब लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सेम सीन, नेट नहीं निकल रहा है तो पीछे मत भागो, सेट की तैयारी कर लो जिस स्टेट में हो, एक धांसू तरीके से कर लो, क्वालिफाई कर लो, भाई हो गया बल्ले बल्ले, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है वहां पे पूछ लेना।